अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां या विपरीत परिस्थितियां या विपत्तियां आती हैं, तो हमें लगता है कि ये सब हमारे ध्वंस के लिए आई है। लेकिन श्रद्धेय दिनकर जी ने रश्मि रथी में इन विपत्तियों को इतने अद्भुत तरीके से वर्णन किया है कि ये विपत्तियां वस्तुतः आपकी संपत्ति भी हो सकती है, यदि आपके चरित्र के अंदर दृढ़ता हो और आपके अंदर विश्वास की एक लहर हो। और बहुत अच्छा उन्होंने वर्णन किया है कि पांडवों ने जब अपना अज्ञातवास पूरा कर लिया, सारी शर्तें पूरी कर ली, तो पांडव आते हैं और न्यायोचित तरीके से वो कहते हैं कि भाई आपने ये कहा था कि अब आधा राज्य हमें हमारा वापस कर दीजिए। लेकिन उनके आधे राज्य की तमाम पेशकश जो कुछ भी उनकी तरफ से होती है उसको कौरव सिरे से खारिज कर देते हैं और कह देते हैं कि भाई हम आपको नहीं देंगे। लेकिन जो सृजनशील चित्त के लोग होते हैं, वो भले ही अपने ऊपर कितनी ही विपत्तियों को झेल लें, उनके मन में ये इच्छा होती है कि अंतिम प्रयास में विपत्ति से भले ही हमने झेली हो, लेकिन हमारे किसी प्रयास से संसार विपत्ति का भागी ना बने, तो इसके लिए वो शांति की गुहार करते हैं। अब इसमें देखिए अब कितना अद्भुत है कि जो जगत का दाता है, वो स्वयं अगर आप उस जगत के दाता के प्रति पूर्ण निष्ठा पूर्ण प्रेम से भरे हुए हैं, तो जगत का दाता जगदीश्वर जो है वो आपके लिए दूत भी बनने के लिए तैयार हो जाता है। और परमात्मा श्री कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन के जाते हैं। लेकिन उसके पहले की जो पृष्ठभूमि है उसका इतना अद्भुत वर्णन रश्मि रथी में श्रद्धेय दिनकर जी ने किया है कि वो कहते हैं कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस, हो गया पूर्ण अज्ञातवास पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। वो विपत्तियों में आप निरंतर, अक्सर विपत्तियां जब आती हैं तो हम और आप जैसे सामान्य लोग क्या होता है कि हम अपने कर्म से विमुख हो जाते हैं, उद्योग से विमुख हो जाते हैं। लेकिन जो शौर्यवान होते हैं या जिनको अपने कृतित्व पर, जिनको अपने पुरुषार्थ पर, अपने व्यक्तित्व के ऊपर पूर्ण भरोसा होता है, वे निरंतर किसी न किसी किस्म का उद्योग करते रहते हैं अपनी विपत्तियों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए। तो वो कहते हैं कि जो आप पढ़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाने को, भड़खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, और गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं चलाता है रोशनी नहीं बह पाता है, और पीसा जाता जब इक्षुदंड, इक्षुदंड मतलब गन्ना के, पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, और मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। गले में जो हार होता है उनको अगर आप देखेंगे तो उनको एक दूसरे से भेद के हम एक सूत्र में उनको लेकर आते हैं, तो जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो कहते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। विघ्नों की वो गुणवत्ता बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, सामान्य मनुष्य को तो वो तोड़ देते हैं, लेकिन जो उत्तम मनुष्य होते हैं, उत्तम प्रकृति के होते हैं उनको वो सतपथ की ओर लगा कर जाते हैं, तो तन को झंझोड़ते हैं पल पल, और सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। कि वाटिका
और वन एक नहीं। दोनों जगह आप देखेंगे कि वहाँ पे पुष्प होते हैं, पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, वाटिका में भी होती हैं, मतलब गार्डन में, और जंगल में भी होते हैं। तो कह रहे हैं लेकिन वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, और वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। शाल के जो वृक्ष ऊंचे ऊंचे खड़े रहते हैं, कि वन में आपको फूल तो मिल जाएंगे लेकिन बगीचों में शाल के वृक्ष नहीं मिलेंगे। तो वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, के कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षाग्रह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं, जो लाक्षाग्रह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं, अब बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है।